नमस्कार दोस्तों, मैं केएस तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल केएस बायोलॉजी टेक में स्वागत करता हूं। और आज का जो यह विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हमको आप लोग को कुछ बताना है और इसमें हम लोग बात क्या करेंगे कि एग्ज़ाम का धीरे धीरे डेट भी अब घोषित हो रही है, उसके साथ साथ जो हमारे विद्यार्थी हैं क्लास ट्वेल्थ के और जो बीएससी पार्ट वन, बीएससी और एमएससी प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अब आप कहोगे कैसे, तो मैं आज इस वीडियो में आपको क्या बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर प्रैक्टिकल फाइल, जो प्रैक्टिकल फाइल है उसको आपको कैसे बनाना है, क्या उसका पैटर्न होता है, इसी वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को फाइल दिखाऊंगा, ठीक है। आप कौन सी फाइल लेंगे, प्रैक्टिकल जो भी आप कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को नोट करने के लिए, तो आप या तो ऐसी फाइल ले सकते हैं जिसमें क्या कि ये विदाउट पेज लगाने वाला है ना, जैसे आप डायरेक्ट ये वाले भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक तरफ क्या है, तो एक तरफ आपका जो भी है मैटर लिखा हुआ है जो प्रैक्टिकल हम लोग किए हैं और एक तरफ आपका डायग्राम है, ठीक है। तो ऐसे फाइल भी आप बना सकते हैं और एक तरफ आप क्या बनाओगे, इधर आप मैटर जो भी है उसके कमेंट लिखोगे, एक तरफ आप लोग क्या तो एक तरफ डायग्राम बनाओगे। ये तो एक नॉर्मली फाइल हो गई। अगर आपको ये वाली फाइल जो पेज लगाने वाली फाइल होती है तो उसको अगर आप तैयार करते हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक इंडेक्स वाला पेज रहेगा सबसे पहले पृष्ठ पे क्या रहेगा, तो एक इंडेक्स वाला पेज रहेगा जिसपे आपको क्या करना है कि जितना आप जो भी आप एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं या जिसपे आप प्रैक्टिकली स्लाइड तैयार किए हैं कमेंट, उसका आप क्या करेंगे, पहले पृष्ठ पे पूरा डिटेल्स रहेगा जो भी फाइल्स जो जो आप फाइल में डायग्राम बना रहे हो वो कितने पृष्ठ पे है, क्या है टॉपिक का नाम, क्या एक्सपेरिमेंट का नेम, क्या, वो सब आपके पहले पीरियड पे पहले पेज पे रहेगा जिसे हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। उसके बाद आप एक तरफ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। जो ये वाला पेज होगा, जैसे ये सपोज एक फाइल है बायोलॉजी की फाइल है, बॉटनी की फाइल है, बीएससी थर्ड ईयर की फाइल है, तो इसमें क्या है कि आप जिधर कमेंट लिखे हैं, ठीक है, जिधर कमेंट लिखे हैं उसके एकदम उसी पृष्ठ पे उसके इधर क्या रहना चाहिए, आपका डायग्राम रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक पैटर्न है। अब क्लास ट्वेल्थ वगैरह में क्या है कि जितना आपका डायग्राम है, ठीक है, जितना आपका डायग्राम है उस डायग्राम को आप पहले बनाएंगे, ठीक है। आपके जो भी टीचर्स हैं स्कूल में वो आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको डायग्राम बनाना है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट को आपको राइट करना है, ये कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो भी बताते हैं। लेकिन पैटर्न, कई बच्चे पूछते हैं कि कौन सा फाइल रहेगा, कैसा रहेगा, तो फाइल आप पेज वाले भी ले सकते हो या मार्केट में रेडीमेड फाइल भी आती है, ठीक है। ये रेडीमेड फाइल भी आती है जो इसमें पेज वेज लगा रहता है, एक तरफ लिखने वाला रहता है, एक तरफ डायग्राम बनाने के लिए। और उसके साथ साथ आपको क्लास ट्वेल्थ में एक और फाइल बनानी पड़ती है जिसका नाम है हर्बेरियम फाइल, ठीक है। हर्बेरियम फाइल के बारे में आप लोग सुने होंगे, हर्बेरियम के बारे में आप लोग इलेवेंथ में पढ़े भी होंगे, है ना। और जो बीएससी सेकेंड ईयर वाले हैं या जो मेसी वाले हैं वो बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे। हर्बेरियम एक तकनीक होती है जिसमें जो भी प्लांट के स्पेसिमेन होते हैं उसको एक लेवल पे लगा के चिपका के झुरा मतलब उसको सुखा उखा के लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हम किसी भी मौसम में उसके बारे में पढ़ लें, तो एक हर्बेरियम फाइल भी बनाने को आती है। उसके साथ साथ आपको कॉलेज से कोई ना कोई जो टीचर्स जहाँ भी पढ़ते हो आप, एक आपको टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको अपना प्रोजेक्ट लिखना होगा। उसके साथ साथ एक कोई भी डायग्राम हो जिसको आप चार्ट पेपर पे बनाएंगे, ठीक है। चार्ट पेपर बनाने के बाद आप उसके बारे में पूरा लर्न करेंगे, क्योंकि जो भी वाइवा वगैरह होता है जब भी आपका प्रैक्टिकल होगा या जो भी वाइवा के लिए जब बाहर से हमारे टीचर्स आते हैं, पैनल जब टीचरों का बैठता है तो वहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि आपने प्रैक्टिकल किया है कि नहीं किया है, प्रैक्टिकल किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो जो भी आप जो चार्ट पेपर बनाते हैं उस चार्ट पेपर पे जो डायग्राम बनाए हैं आप उसको बढ़िया से आप तैयार करिए। सपोज़ मान लिया जाए कि जैसे ये बीएससी थर्ड ईयर की फाइल है, ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर की फाइल है, मान लीजिए यहाँ पे वीट लिखा है ना, गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम,
तो ये जो ट्रिटिका मेस्टिवम है इसका मान ली पूछेगा एग्जाम में कि कैसे इसका कल्टीवेशन होता है, क्या क्या है, कैसे इसको ग्रो करा है, मतलब इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, ये सब तमाम बातें पूछ सकते हैं। तो जो भी आप अगर कोई भी अगर अन्य कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और फिर मैं उस पर वीडियो अपडेट आप लोग को दे दूंगा, है ना। कोई भी अगर डाउट होगा कि सर ये नहीं ऐसे है तो आप तुरंत मेरे पास नीचे कमेंट ऑप्शन है उस पर जाके कमेंट करेंगे और कमेंट जैसे ही मुझको प्राप्त होगा मैं उस टॉपिक पे वीडियो और जो आपका डाउट होगा उस डाउट पे मैं वीडियो अपडेट आपको दे दूंगा, है ना। तो जो भी है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फाइल तैयार करनी है, कौन सी फाइल हम लोग को लेनी है और क्या क्या हम लोग को लिखना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।